ये लड्डू अभी ये पार कर ये ढक दिया है, वैसे ऐसे लड्डू बनाएंगे पार के, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, पार के दिखाते हैं। बैठ जाए नीचे, ये देखिए हमने इसको पार को भुजा को चलते हैं, इसमें पार डालने गैस बंद कर दें। तब तक इसमें हम थोड़ा पाक चढ़ा देते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं एक गिलास, और ये कौड़ी इसको फाइनली गैस जला के गले देगी, इसको हम हो रहा है, ये हमारा हलवा बन चुका है। अभी खाली इसमें सभी सी कढ़ाई में रखते हैं, देखिए आप लोग ये हलवा हमारा फाइनली बन चुका है, ऐसे आप लोगों को दिखाओ, देखिए फाइनली ये हलवा बन चुका है, अभी इसमें कढ़ाई में ही है, हलवा रेडी हो गया। ये मूंगफली हमारा मूंगफली का लड्डू हमने बना लिया है, देखिए कितना प्यारा प्यारा लड्डू हम बनाए, एकदम ऐसे मारो टन दे, फूटेगा नहीं, एक भी छिलका नहीं है, इसको हम लड्डू बना लिया है फाइनली, लड्डू भी हम बना के तैयार कर लिए हैं मूंगफली वाला। गाजर का हलवा और मूंगफली का लड्डू तैयार हो गया, अभी चलते हैं भुजा बनाने। भुजा का अभी हमारा आधा किलो बेसन है, फॉर्चून का बेसन है, हम इसमें बेसन निकाल लेते हैं, बेसन निकाल लेते हैं, इसका भी हम लड्डू बनाएंगे, बेसन निकाल लेते हैं। ये हमारा बेसन झाड़ने का मशीन है, ये देखिए इसी से निकालेंगे, इसी से सब हमारा बेसन झाड़ने का मशीन है, इसे हम केवल खस्ता के लिए रिफाइंड डालेंगे, कितना डालेंगे ये भी आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दें। आधा किलो बेसन है, इस कटोरी से थोड़ी कम, एक कटोरी छप छप बेसन से जैसे लखा बनता है तो खसखस होता है ना, तो लोग सोडा वगैरह डालते हैं, हम सोडा नहीं डाल रहे हैं। अब इसको पानी में डाल, थोड़ा सा पानी से पहले इसको रिफाइंड से खूब मिला लीजिए, देखिए गाइस ये हमने बेसन चला लिया है, देखिए एकदम जैसे ऐसे बांधिए तो बना जा रहा है, ठीक ऐसे हम कर लिए बेसन को, कहीं गुल्ठी उल्टी नहीं है,
ये भी कुल्ची नहीं होना चाहिए। हमने बेसन को गर्म पानी में हल्का सानेंगे, तब तक ले अभी साने पहले उसको मिला कर रखने हैं इसको भूजा को। हमारा भुजा है, ये भुजा सब हम ऐसे खा लेते हैं। फिर इस पर पान रखेंगे, फिर इसमें डाल देते हैं, गैस कम कर दें। इसको पोंछ लेंगे और इसको हम इसमें से ऐसे लेंगे और इसको ऐसे करेंगे कि कुछ गंदगी हो। ये पैकेट का चीज है, देखकर का कड़ा वाला हम निकाल देंगे। हमारा देखिए पाक हो रहा है, ये हमारा हलवा बन चुका है। अभी खाली इसमें सभी सी कढ़ाई में रखते हैं। देखिए आप लोग, ये हलवा हमारा फाइनली बन चुका है। ऐसे आप लोगों को दिखा, देखिए फाइनली ये हलवा बन चुका है। अभी इसमें कढ़ाई में ही है, हलवा रेडी हो गया। ये मूंगफली हमारा, मूंगफली का लड्डू हमने बना लिया है। देखिए कितना प्यारा प्यारा लड्डू हम बना, एकदम ऐसे मारो टन दे, फूटेगा नहीं, एक भी छिलका नहीं है। इसको हम लड्डू बना लिया है फाइनली, लड्डू भी हम बना के तैयार कर लिए हैं मूंगफली वाला। गाजर का हलवा और मूंगफली का लड्डू तैयार हो गया। अभी चलते हैं भुजा।
बनाने भुजा का। अब ये हमारा आधा किलो आधा किलो बेसन है, फॉर्चून का बेसन है। हम इसमें बेसन निकाल लेते हैं, बेसन निकाल लेते हैं। इसका भी हम लड्डू बनाएंगे। बेसन निकाल लेते हैं। ये हमारा बेसन झाड़ने का मशीन है, ये देखिए इसी से निकालेंगे, इसी से। सो हमारा बेसन झाड़ने का मशीन है। इसे हम केवल खस्ता के लिए रिफाइंड डालेंगे। कितना डालेंगे ये भी आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दें। आधा किलो बेसन है तो इस कटोरी से थोड़ी कम, एक कटोरी छप छप। बेसन से जैसे लखा बनता है तो खसखस होता है ना, तो लोग सोडा वगैरह डालते हैं, हम सोडा नहीं डाल रहे हैं। अब इसको पानी में डाल, थोड़ा सा पानी से पहले इसको रिफाइंड से खूब मिला लीजिए। देखिए गाइस, ये हमने बेसन चला लिया है, देखिए एकदम जैसे ऐसे बांधिए तो बना जा रहा है। ठीक है, ऐसे हम कर लिए बेसन को, कहीं गुल्ठी उल्टी नहीं है, एक भी गुल्ठी नहीं होना चाहिए। हमने बेसन को गर्म पानी में हल्का सानेंगे, तब तक ले अभी सानने से पहले उसको मिला कर रख लिए हैं। इसको भुजा को सब हम ऐसे खा लेते हैं। फिर इस पर पान रखेंगे, फिर इसमें डाल देते हैं, गैस कम कर दें। इसको पोंछेंगे फाइनली, और इसको हम इसमें से ऐसे लेंगे और इसको ऐसे करेंगे जो कुछ गंदगी हो। ये जो पैकेट का चीज है, देखकर नीचे का कड़ा वाला हम निकाल देंगे।